hello students welcome to akpic academy i am your teacher for this lecture in this lecture we are going to do a straight line in which we have to start with you know some concepts of rectangular system of cartesian coordinates

and before we start, don't forget to subscribe to the channel so that you get more videos like this and you can revise your concepts thoroughly. राइट तो सबसे पहला देखो क्वेश्चन यहाँ पे हम जो लेने वाले हैं या फॉर्मूला कहें डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला की अगर हम बात करते हैं तो अगर दो पॉइंट्स हैं देखो P और Q उनके बीच का डिस्टेंस तो अगर P के कोऑर्डिनेट्स आर x1 y1 वाई ऑफ क्यू आर एक्स टू यू नो दैट डिस्टेंस फार्मूला इज गिवन क्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू होल स्क्न माइनस वाई टू होल स्क्वेयर यू कैन ईवन राइट इट लाइक दिस या तो देखो ऐसे लिखोगे या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वेयर और प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्र सिंपली बिकॉज ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज सेम एज बी माइनस ए का होल स्क्वायर तो जैसे मर्जी फॉर्मूला आप ये ले सकते हो और अगर आपको पी का देखो डिस्टेंस चाहिए फ्रॉम ओरिजिन तो उस केस में आपके पास इस टाइप से हो जाएगा जैसे ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स वी टेक एज जीरो जीरो और पी के कोऑर्डिनेट्स आर एक्स वाई तो अगेन अप्लाई द सेम डिस्टेंस फार्मूला तो यू विल गेट डिस्टेंस ओ एज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क् प्लस वाई Is it okay? तो ये था देखो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला अगले पे चलते हैं नाउ लेटस टॉक अबाउट ऑन डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होता है लाइक like की अगर आपको तीन पॉइंट देखो दिए हैं ठीक है और आपको कहा है कि उनसे जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है अगर कहा जाए कि शो करो आइसोसिल So you know that आपने क्या शो करना है टू साइड्स या टू एंगल्स आर इक्वल दो इक्वल शो करनी है तो उनके बीच का डिस्टेंस इक्वल होगा फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो आईदर शो ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल या फिर ईच ऑफ द एंगल इज 60 डिग्री तो अगर डिस्टेंस फॉर्मूले से कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू शो लेंथ ऑफ ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल राइट एंगल है तो आपने ये देखना है पाथागोरम इज एप्लीकेबल और नॉट ऑल दैट इज समय ऑफ टू साइड इज इक्वल टू स्क् थर्ड साइड फिर एसोसिलस भी है और राइट एंगल भी है तो आपको पता है कि अगर राइट एंगल है और एसोसिलस भी है तो हाइपोटेनियस को छोड़ के जो रिमेनिंग टू साइड होती हैं विच आर फॉर्मिंग द राइट एंगल दे शुड बी इक्वल तो तो इसमें एक तो आप थ्योरम वेरीफाई करोगे और एक ये कि दो साइड्स जो नॉन हैपिटेनियस वाली होती हैं वो आपस में इक्वल है फिर अगर स्केली ट्राइंगल शो करना है तो ऑब्वियसली ट्राइंगल स्केलीक्वल इज इट ऑल राइट आगे देखो नेक्स्ट अगर हमारे पास फोर पॉइंट गिवन है और शो करना है कि उनसे अगर हम कोई ट्राइंगल नहीं क्वाड्रिलेटरल अगर हम फॉर्म कर रहे हैं तो वो स्क्र है ठीक है यहां पे इट शुड बी क्वाड्रिलेटरल तो अगर उनसे आप कोई क्वाड्रिलेटरल फॉर्म करते हो तो हमने ये शो करना है कि अगर वो स्क्वेयर है अब स्क्वेयर होगा तो उसकी ऑल फोर साइड्स विल बी इक्वल और स्क्वेयर में डायग्नल इक्वल भी होते हैं और परपेंडिकुलर भी होते हैं और बाइसेकट तो करते ही हैं इज इट ऑल राइट तो कुछ भी आप इनमें से जैसे एक तो साइड्स इक्वल शो करो और डायगनल्स इक्वल शो कर दो तो दैट वुड मीन इट इज अ स्क्वायर फिर रॉम्बस की बात आए तो उसमें ऑल फोर साइड्स आर इक्वल डायगनल्स की लेंस इक्वल नहीं होती लेकिन रोम्बस में डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं और परपेंडिकुलर होते हैं इज इट ऑल राइट फिर अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं एंड डायगनल्स आर आल्सो इक्वल इसमें डायगनल्स परपेंडिकुलर नहीं होते जैसे रोम्बस में डायगनल्स इक्वल नहीं होते परपेंडिकुलर होते हैं रेक्टेंगल में डायगनल्स आर इक्वल बट नॉट परपेंडिकुलर ऑल और दे बाय सेक्टीचर ऑफकोर्स फिर पैरलोग्राम की अगर हम बात करें तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑल राइट एंड डायगनल्स आर नॉट इक्वल बट अदर ट्रिपेजियम की अगर हम बात करते हैं तो टू साइड्स आर पैरेलल एंड अदर टू साइड्स आर नॉट पैरेलल इज इट ओके तो जो भी शो करना होगा अकॉर्डिंगली उसकी प्रॉपर्टी लेनी है आपने क्वाड्रिलेटरल की और शो करना है आगे चलते हैं ट नाउ कि अगर ए बी सी आर वर्टसेज ऑफ अ ट्राइंगल एंड वी हैव टू फाइंड द कोडिनेट ऑफ सर्कम सेंटर अभी हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे देखो सर्कम सेंटर को वेन वी विल डिस्कस फोर पॉइंट पर क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला की हम बात कर रहे थे तो आपको पता होना चाहिए जो सरकम सेंटर होता है पी वो तीनों वर्टसेस से इक्वी डिस्टेंट होता है राइट तो आप क्या करोगे अगर उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई एज्यूम कर लो और ट्राइंगल के वर्टिस अगर ए बी सी हैं तो पी ए पी बी पी सी तीनों इक्वल होंगे तो एक कंडीशन ले लो पी एस स्क्वेयर एज पी बी स्क्वेयर इससे आपको एक लीनियर इक्वेशन मिलेगी एक्स और वाई में और फिर ले लो पी एस स्क्र एस पी सी स्क्वेयर यू विल गेट अनदर लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई सॉल्व द टू इक्वेशन एंड दैट विल गिव यू कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई Which are the of तो जो होता है वो ट्राइंगल के तीनों वर्टिस से राइट right? फिर अगर आपके पास इक्विलेट्रल ट्राइंगल है तो आपको पता है उसमें तीनों साइड इक्वल होती है तो कई बार क्या होता है यू आर गिवन टू वर्टिस अगर आपको इक्विलेट्रल ट्राइंगल के दो वर्टिस दिए हैं थर्ड वर्टेक्स चाहिए तो या तो देखो हम उसके कोऑर्डिनेट्स अल्फा बीटा एच के एक्स वाई कुछ भी एज्यूम करके फिर रिलेशन यूज करें कि ए बी बी सी और सी ये तीनों आपस में इक्वल हैं या हमारे पास उसी से डायरेक्ट फार्मूला आया है कि इफ यू हैव टू कोऑर्डिनेट्स एज एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू तो तीसरा वर्टेक्स इस फॉर्मूले से मिलेगा एक्स कोऑर्डिनेट विल बी अब ध्यान से एक बात नोटिस करना जैसे अगर आप एक्स कोऑर्डिनेट में ले रहे हो एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस रूट थ्री वाई टू माइनस वाई वन अगर आपने यहां माइनस लिया है ना तो वाई कोऑर्डिनेट में प्लस लेना है तभी यहाँ पे हमने माइनस प्लस और इधर क्या लिखा है प्लस माइनस लिखा है विच इंडिकेट्स अगर यहाँ माइनस ले रहे हैं तो y कोऑर्डिनेट आएगा y1 वन प्लस वाई टू प्लस रूट थ्री एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन टू और अगर यहाँ प्लस लिया है तो इधर माइनस लेंगे अब ऐसे दो कोऑर्डिनेट्स क्यों पॉसिबल हैं बिकॉज इफ यू सी लाइक अगर आपके पास दो वर्टस गिवन है वन इज ए अदर इज बी जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू तो यू कैन फॉर्म टू इक्विलेट्रल ट्राइंगल्स एक लाइन के ऊपर बन सकता है और एक इक्विलेट्रल ट्राइंगल लाइन के नीचे बन सकता है तो आपका वर्टेक्स जो तीसरा है सी वो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है तो टू केसेस आर पॉसिबल दैट इज वाई वी टेक हेयर टू केसेस बट जैसे मैंने कहा बस ख्याल ये रखना है फॉर्मूले में अगर एक्स कोऑर्डिनेट में माइनस है तो वाई कोऑर्डिनेट में यहां प्लस लोगे और अगर इधर प्लस है तो वाई कोऑर्डिनेट में माइनस लेना है साइंस शुड बी अपोजिट राइट लेट्स मूव ऑन फर्दर नाउ अब हम बात करते हैं सेक्शन फॉर्मूलाज की तो PQ अगर कोई लाइन सेगमेंट है जैसे देखो यह आपको लाइन सेगमेंट PQ गिवन है जिसमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी आर एक्स वन वाई वन एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू आर एक्स टू वाई टू देन एनी पॉइंट एस कैन डिवाइडेड इन द रेशियो एम एस टू एंड इन टू वेज इंटरनली एंड एक्सटर्नली अब पहले अगर इंटरनल डिवीजन की हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जो पॉइंट एस है जो इसको डिवाइड कर रहा है इन द रेशो एमएसू के बीच में लाई करेगा लाइन सेगमेंट पी क्यू जो है उसके बीच में आपका ये पॉइंट कहीं एस होगा एंड इट इज डिवाइडिंग इट इन द रेशो एमएस टू एन तो आप एस के कोऑर्डिनेट्स क्या दोगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ एस आर गिवन बाय दिस देखो इसमें क्या रूल होता है एम को आपने इधर वाले से मल्टीप्लाई करना है और एन को इधर वाले से मल्टीप्लाई करना है एक्स कोऑर्डिनेट देखोगे तो एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन ऑल राइट ये आ गया फिर इसी तरह से वाई कोऑर्डिनेट एम को उधर वाले वाई कोऑर्डिनेट से करोगे एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन एम एंड एन बोथ आर पॉजिटिव फिर एक्सटर्नल डिवीजन तब होता है जैसे ये लाइन सेगमेंट pq है तो s आपका या तो q के बाद होगा या p से पहले भी हो सकता है मतलब s will lie outside pq not between pq ऑलराइट right? पर होगा उसी लाइन सेगमेंट के ऊपर लाइन जॉइनिंग pq के ऊपर ही अगेन देखो रेशियो ms टू n है इसका मतलब ये हुआ अब जैसे यहां भी अगर रेशियो ms टू n थी ना व्हाट डज इट मीन इट मींस दैट ps अपॉन एस क्यू आर इन द रेशो एम एस टू एन तो एक्सटर्नल डिविजन में भी ये रेशो सेम रहती है कि पी एस अपॉन एस क्यू विल बी इन द रेशो एम एस टू एन तो देखो यहां पे अगर हमने पी एस एम लिया है तो क्यू एस कितना होगा एन होगा ऑल राइट तो यहां पे हमारे पास जो एक्सटर्नल डिवीजन में कोऑर्डिनेट्स आते हैं वो बिल्कुल इंटरनल डिवीजन की तरह लेने हैं इंस्टेड ऑफ प्लस साइन इन इनटर एंड डिनोमिनेटर यू हैव टू टेक माइनस साइन मतलब एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन एन एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन राइट तो प्लस के बदले में साइन आप माइनस ले लो अदरवाइज द फॉर्मूला रिमेन्स द सेम आगे चलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला नाम से ही पता चलता है कि एस मिड पॉइंट है पी क्यू का तो देखो अगर ये एस मिड पॉइंट हो जाएगा तो रेशो सेम हो जाएगी ना एम एस टू एन मतलब करो तो हमारे पास कॉर्डिनेट आ गए एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू वाई वन प्लस वाई टू बाई टू राइट सो दिस विल बी दिड पॉइंट फॉर्मूला लेट्स सी नाउ फर्दर इसमें देखो कुछ पॉइंट्स हैं अगर P आपका मिड पॉइंट है AB का और A के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हैं और B के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो या तो देखो B के कोऑर्डिनेट्स एज्यूम करके मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर दो या फिर अगर आपके पास P मिड पॉइंट है और उसके कोऑर्डिनेट्स अल्फा बीटा है तो बी के कॉर्डिनेट्स टू अल्फा माइनस लैमडा टू बीटा माइनस वी तो डायरेक्टली भी ऑप्टेन कर सकते हैं नाउ लेट्स सी द थर्ड पॉइंट फॉर फाइंडिंग द रेशियो वी यूज दैट रेशो इज इज़ टू वन अब देखो कई बार क्या होता है लाइक यू आर गिवन अ स्ट्रेट लाइन ऑन विच यू आर गिवन द थ्री पॉइंट मान लो हमारे पास ये पॉइंट ए है विथ कोऑर्डिनेट्स एक्स वन वाई वन एंड यू हैव अ पॉइंट बी विथ कोऑर्डिनेट्स एक्स टू वाई टू और इसी लाइन के ऊपर आपको एक और पॉइंट दिया है मान लो पी तो आपको रेशो बतानी है इन विच पी डिवाइड्स ए बी तो वट वी डू इज जैसे यूजली हम रेशो एम एस टू एन लेते हैं पर इन दिस केस टू अवॉइड टू वी दैट लेट द बी इज इट तो आप कर लो कि रेशो है तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो लैमडा इधर वाले से मल्टीप्लाई होगा आपका ठीक है और वन इधर वाले से मल्टीप्लाई होगा यही जो मेथड हमने ऊपर पॉइंट टू में देखा था तो पी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे वन इंटू एक्स वन मतलब एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन वन प्लस वाई टू अपॉन वन प्लस इज इट ऑल राइट फिर अगर आपको पी के कोऑर्डिनेट्स ऑलरेडी गिवन है या ये दिया है पी किसी लाइन के ऊपर लाई करता है तो आप लैमडा निकाल सकते हो कई बार पी के कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं या कई बार ये दिया होता है कि पी एक लाइन के ऊपर लाई करता है तो पी के कोऑर्डिनेट्स लैमडा की टर्म्स में जो आपने निकाले हैं वो उस लाइन के ऊपर लाई करेंगे एक बार ही लैमडा आ गया सॉल्व करके तो आपको रेशो मिल जाएगी अब देखो अगर आपका लैमडा पॉजिटिव आता है इफ यू गेट द वैल्यू ऑफ लैमडा टू बी पॉजिटिव दैट मीन्स डिविजन इज इंटरनल कि पी पॉइंट ए बी के बीच में है और अगर लैमडा की वैल्यू नेगेटिव आती है इसका मतलब डिविजन इज एक्सटर्नल कि पी डिवाइड्स ए बी एक्सटर्नली इन द रेशो लैमडा इज टू वन ठीक है तो या तो पी बी के बाद होगा या ए से पहले राइट नेक्स्ट पॉइंट लाइन के ऊपर कर रहा है, तो देखो क्या होगा जैसे P के आपने ये निकाल लिए, तो उसको सॉल्व करके आपके पास लैमडा की वैल्यू देखो लैमडा अपॉन वन विल कम आउट टू बी दिस तो आप ये डायरेक्टली एज अ डायरेक्ट फॉर्मुला याद रख सकते हो कि अगर लाइन की इक्वेशन है एक्स प्लस वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो कर रहा है तो की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ एक्स वन प्लस फिर बी के कोऑर्डिनेट्स लाइन की लेफ्ट साइड पे पुट कर दो डिनोमिनेटर इज एक्स टू प्लस वाई टू प्लस सी और आगे माइनस का साइन आएगा इज इट ऑल राइट तो अगर रेशियो पॉजिटिव होगी तो इसका मतलब डिवीजन जिसे हमने कहा इंटरनल है और अगर रेशो नेगेटिव है तो इसका मतलब डिवीजन इज एक्सटर्नल इज इट ऑल राइट अब देखो रेशो पॉजिटिव तब आएगी जब ये दोनों अपोजिट साइन के हैं क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है ना तो अगर इन दोनों एक्सप्रेशन के साइन अपोजिट है तो रेशो विल बी पॉजिटिव और अगर इन दोनों एक्सप्रेशन के साइन सेम है तो रेशो विल बी नेगेटिव राइट तो ये था हमारा सेक्शन फॉर्मूला से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला जिसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस फोर पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंसी सबसे पहले देखो सेंट्रॉइड की बात कर रहे हैं तो मान लो हमारे पास ए एक्स वन वाई वन Y2 एक्स टू वाई टू सी एक्स थ्री वाई थ्री दीज आर ऑफ अ ट्राइंगल अब सेंट्रोइड पे आपके मीट करते हैं मीडियंस तो उसके लिए हम मान लेते हैं यहां पे कि डी ई एफ आर मिड पॉइंट ऑफ साइड इज इट ऑल राइट तो डी मिड पॉइंट ए बी का बी सी का हो गया ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड एफ इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी तो अगर ये मिड पॉइंट है तो आपके पास जो डी होगा वो डिवाइड कर रहा है BC को इन द रेशियो वन इज टू वन या मिड पॉइंट फार्मूला से डी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे फिर यू नो दैट एनी मीडियन इज डिवाइडेड बाय सेंट्रोइड इन द रेशियो टू इज टू वन जैसे डी ए डी को जी जो है आपका सेंट्रोइड सेंट्रोइड को हम जी लेटर से डिनोट करते हैं तो जी विल डिवाइड ए डी इन द रेशियो टू इज टू वन जी विल ऑल्सो डिवाइड बी ई इन द रेशियो टू इज टू वन G will also divide CF in the ratio टू इज टू वन तो किसी भी एक को ले लो और सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर लो दैट विल गिव यू कोऑर्डिनेट्स ऑफ जी एस x1 plus x2 plus x3 by 3 comma y1 plus y2 plus y3 by 3, all right? अब देखो कुछ पॉइंट्स हैं अगर हम centroid ऑफ द triangle obtained by joining मिड of ऑफ द लेते हैं जैसे देखो डी ई एफ को अगर हम join करते हैं यहाँ पे ऑब्जर्व करो ये हमने join कर दिया इसको डी ई e को और फिर आपने join किया है ई e एफ को और डी एफ को अब देखो ये वाला जो ट्राइंगल है ना डी ई एफ जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बना है इसका सेंट्रोइड भी सेम होगा जी जो ट्राइंगल ए बी सी का है तो कई बार अगर किसी क्वेश्चन में आपको मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं ए बी सी की बजाय तो आपको ए बी सी सेंट्रॉयड निकालने के लिए निकालने की जरूरत नहीं है बिकॉज जो भी सेंट्रोइड डी ई एफ का होगा वही सेंट्रोइड किसका होगा ए बी सी का तो दैट इज वॉट वी आर सींगट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल बाई ज्वाइनिंग मिड पॉइंट मतलब डी ई एफ काम एज सेंट्रॉइड ऑफ दरिजनल ट्राइंगल विच हेयर वी हैव टेकन एज ए बी सी फिर देखो अगर किसी और चीज को आपने निकालना है मान लो कुछ भी और आपको पूछा है तो उसके लिए आपको वर्टसिज चाहिए और आपको मिड पॉइंट दिए हुए हैं तो आप क्या करोगे तो यहां पे अगर हम ऐसे देखें मान लो अभी ये आपको वर्टिसेस x1 y1, x2 y2 आर नॉट ऑफ ए बी सी ठीक है अब सपोज ये जो वर्टिसेस है ना आपको ये डी ई एफ के दिए हुए हैं सपोज डी के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 वन कॉमा वाई वन ई के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 और एफ के कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3। सपोज मिड पॉइंट्स आर के वन और आपको ए बी सी चाहिए तो ए का एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा सात वाले जो एक्स कोऑर्डिनेट्स है ऐड करके अपोजिट वाला माइनस एक्स टू प्लस एक्स थ्री माइनस एक्स वन ये देखो फिर ए का y साथ वाले y करने हैं अपोजिट वाला माइनस तो वाई टू प्लस वाई थ्री माइनस वाई वन दीज आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए के कैसे निकालोगे देखो इसमें भी सात वाले ऐड करोगे अपोजिट वाला माइनस तो एक्स वन प्लस एक्स थ्री माइनस एक्स टू यह आ जाएगा और फिर B का y कोऑर्डिनेट विल बी अगेन सात वाले y कोऑर्डिनेट्स ऐड करो अपोजिट वाला माइनस तो y1 वन प्लस वाई टू इज ऑल राइट सिमिलरली अगर हमें C वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो इसके एडजस्टेंट वाले होंगे D और E और अपोजिट F तो x कोऑर्डिनेट विल बी x1 एक्स टू माइनस एक्स थ्री लाइक दिस एक्स वन प्लस एक्स टू माइनस एक्स थ्री एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सी विल बी वाई वन प्लस वाई थ्री इट ऑल राइट तो ऐसे आप निकाल सकते हो विदाउट फॉर्मिंग इक्वेशन डायरेक्टली कोडिनेट्स ऑफ एबीसी अगर आपको मिड पॉइंट गिवन है फिर आगे हम कह रहे हैं अगर दो वर्ट आपको ट्राइंगल के given है, और गिवन है और सेंट्रॉइड गिवन है अल्फाबीटा Is it all right? मान लो आपको ए के कोऑर्डिनेट्स गिवन है बी के गिवन है और सेंट्रॉइड गिवन है तो ए और बी के कोऑर्डिनेट्स अगर एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू है और अल्फा बीटा तो या तो देखो इस फॉर्मूले से निकाल लो कि आप एज्यूम कर लो थर्ड वर्टेक्स है एक्स थ्री वाई थ्री और इसको इक्वेट कर दो कि सेंट्रॉइड आपको गिवन है अल्फा बीटा इज इट right? तो x coordinate, x कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट के इक्वेट कर दें और y कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट के इक्वेट कर दें तो x3 और y3 निकाल सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो देखो अगर आप इसको इसके इक्वेट करोगे तो x3 कितना आएगा थ्री अल्फा माइनस एक्स वन माइनस एक्स टू और y कोऑर्डिनेट विल बी y3 कितना आएगा थ्री बीटा माइनस वाई वन माइनस वाई टू तो दीज आर द डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स राइट फिर हम बोल रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल इज फोर टाइम्स द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ये जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके छोटे वाला ट्राइंगल है इसका एरिया अगर ए है तो पूरे ट्राइंगल ए बी सी का एरिया इसका कितना होगा फोर टाइम्स और ऐसा हर ट्राइंगल में होगा जरूरी नहीं है कि उसके लिए ट्राइंगल को इक्विलिट्रल होना जरूरी है दिस प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरी ट्राइंगल रादर जितने भी हमने यहां पे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं दे आर एप्लीकेबल फॉर ईच एंड एवरी ट्राइंगल इज इट ओके तो ये बात हुई सेंट्रॉइड की अब हम चलते हैं इन सेंटर पे इन सेंटर पे आपके मीट करते हैं एंगल बाइसेक्टर्स तो देखो जैसे ये हमारा ट्राइंगल है ए के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वन वाई वन बी के एक्स टू वाई टू सी के एक्स थ्री वाई थ्री ये हमारा एंगल बाइसेक्टर है लेटेस्ट डिनोटेड बाय से ए डी दिस इज एंगल बाय ऑफ एंगल ए फिर बी ई इज़ बायसेक्टर ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ बी और ये सी एफ इज़ बायसेक्टर ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ सी तो ये जहाँ पे मीट कर रहे हैं वो इन सेंटर आई है और कैपिटल आई से डिनोट करते हैं इज इट ऑल राइट आप देखो निकालते कैसे हैं उसके लिए आपको लेंथ ऑफ साइड्स निकालनी पड़ेंगी बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला तो एंगल ए के अपोजिट वाली साइड को हमेशा स्मॉल ए से डिनोट करना है दिस ज बाई कन्वेंशन नहीं तो फॉर्मूला गलत हो जाएगा एंगल बी के अपोजिट वाली साइड जैसे ए सी उसकी लेंथ को स्मॉल बी से एंगल सी के अपोजिट साइड स्मॉल सी उसकी लेंथ को स्मॉल सी से देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर आर गिवन बाय ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी तो सिंबल्स फिक्स करने जरूरी हैं क्योंकि अपोजिट वाले से मल्टीप्लाई करना है ए एक्स वन बी एक्स टू और ये C किससे x3 से सिमिलरली y कोऑर्डिनेट ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी इज इट ओके देखो इन सेंटर के बारे में हम एक बात और बोलेंगे कि जैसे अगर आप किसी ट्राइंगल का इन सेंटर लेते हो इज इट ऑल राइट सपोज आई टेक अ ट्राइंगल और इसका इन सेंटर आप देखो और क्या होता है अगर हम इस ट्राइंगल में एक इन सर्कल बनाए इन सर्कल का मतलब होता है सर्कल टचिंग ऑल द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज इट ऑल राइट ये थोड़ा सा तो ये मान लो सर्कल है जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच कर रहा है ट्राइंगल इज ए बी सी ऑल राइट तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा आई दिस सर्कल इज कॉल्ड एज इन सर्कल तो इसका सेंटर जो होगा आई दैट इज नथिंग बट दिस इन सेंटर इज इट ऑल राइट और देखो यहां पे अगर ये सर्कल टच कर रहा है तो तीनों साइड सर्कल को टेंजेंट्स हैं मान लो दे आर टेंजेंट्स एट पॉइंट पी क्यू आर ठीक है ये हो जाएंगी तो अगर हम इनको ज्वाइन करते हैं आई पी को आई आर को और आई क्यू को तो ये परपेंडिकुलर होंगे बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट तो इस केस में हमारे पास आई पी विल बी इक्वल टू आई क्यू विल बी इक्वल टू आई आर इन रेडियस ठीक है इन सर्कल का रेडियस है तो इट विल बी कॉल्ड एज इन रेडियस इसका मतलब इन सेंटर इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द थ्री साइड ऑफ ट्राइंगल क्योंकि आई पी परपेंडिकुलर है साइड बी सी के तो दैट इज डिस्टेंस ऑफ आई फ्रॉम लेंथ साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल सिमिलरली आई क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए सी तो आई इज ऑल्सो डिस्टेंस ऑफ आई क्यू जो है दैट इज डिस्टेंस ऑफ आई फ्रॉम ए सी सिमिलरली आई आर इज डिस्टेंस ऑफ आई फ्रॉम ए बी तो जो इन सेंटर होता है दैट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम थ्री साइड ऑफ ट्राइंगल इट ओके और इन सेंटर निकालने का फॉर्मूला ये हो गया नेक्स्ट देखो नेक्स्ट नाउ लुक एट सर्कम सेंटर सर्कम सेंटर पर आपके मीट करते हैं परपेंडिकुलर बायसेक्टर्स या राइट बायसेक्टर्स लाइक दिस इज द ट्राइंगल ए ये पॉइंट्स हमारे मिड पॉइंट्स हैं डी इज मिड पॉइंट ठीक है ऑफ बी सी ई हमने लिया मिड पॉइंट ऑफ ए सी ये ए सी का और एफ ले लो ये मिड पॉइंट किसका ए बी का और यहाँ पे देखो हमने पर ड्रॉ कर दिए तो दीज आर कॉल्ड एज परपेंडिकुलर पेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ये ओ पे मीट कर रहे हैं तो दैट विल बी द सर्कम सेंटर आप देखो या तो हम सर्कम सेंटर डायरेक्टली इस फॉर्मूले से निकालने पर इसमें जैसे x1 अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करके इसमें कन्वर्ट कर लो ये दूसरा फॉर्मूला है तो इसके लिए आपको एंगल्स चाहिए आपको याद होगा डिस्टेंस फॉर्मूला में हमने ये कहा था कि देखो कि वो जो होता है सर्कम सेंटर इट इज इक्वीडिस्टेंट फ्रॉम थ्री पॉइंट्स क्यों इक्विडिस्टेंट होता है जैसे अगर हम मान लो यहां पे कोई सर्कल लेते हैं लेट मी ड्रॉ अ सर्कल इज इट ऑल राइट तो यहां पे क्या होगा कि जो ट्राइंगल होता है उसके वर्टिसेस जैसे अगर इसके अंदर मान लो मैंने ये ट्राइंगल लिया देखो ठीक है मी टेक दिस ट्राइंगल सपोज आई टेक दिस ट्राइंगल ए बी सी तो जो बाहर सर्कल बन रहा है ना दिस इज कॉल्ड एज सर्कम सर्कल जस्ट मोमेंट ये आपको थोड़ा सा मैं इधर कर देती हूं सो दैट इट इज विजिबल नाउ लुक है तो ये जो ट्राइंगल है ना ये जो सर्कल है जो बाहर बन रहा है दिस इज कॉल्ड एज सर्कम सर्कल इज इट ऑल राइट क्या बोलते हैं इसको सर्कम सर्कल जैसे जो अंदर बनता है दैट इज इन सर्कल जो बाहर बनता है दैट इज सर्कम सर्कल और इस सर्कल का जो सेंटर है ओ दैट इज नथिंग बट सर्कम सेंटर तो देखो ओ एसी तीनों आपस में इक्वल होंगे दे विल बी सर्कम रेडियस राइट तो इस केस में वी विल हैव ओ इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी दैट इज कैपिटल आर जिसको हम कहते हैं सर्कम रेडियस इज इट ऑल राइट क्या बोलेंगे इसको सर्कम रेडियस तो सर्कम सेंटर इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द थ्री वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल जैसे इन सेंटर साइड से इक्विडिस्टेंट था ट्राइंगल की सर्कम सेंटर वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंट होता है तो आप सर्कम सेंटर निकालने के लिए ये भी यूज कर सकते हो देखो क्या यूज कर सकते हो अब मैं यहां पे लिखती हूं यू कैन यूज दैट कि सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स से कर लो एच कॉमा के और यूज करो ये रिजल्ट ओ ए ओ बी ओ सी इक्वल है तो एक बार ले लो ओ ए स्क्वेयर इज ओ बी स्क्र एक लीनियर इक्वेशन यहां से मिलेगी एच और के में और एक ले सकते हो कि ओ बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वेर एक लीनियर इक्वेशन यहां से मिलेगी तो जैसे कि हमने डिस्टेंस फॉर्मूले में बोला था तो ये डिस्टेंस फॉर्मूले से आप दो लीनियर इक्वेशन बना लो और उनको सॉल्व करो दैट विल गिव यू एच कॉमा के विच विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर तो ये हो गया हमारा सरकम सेंटर एक चीज और है इसमें अगर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल होता है इफ यू हैव अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल इज इट ऑल राइट मान लो हमारे पास ये है ए बी सी तो इसका अगर हम सर्कम सर्कल बनाएं तो कुछ ऐसा बनेगा लेट मी ड्रॉ द सर्कम सर्कल नाउ दिस विल बी द सर्कम सर्कल तो इसमें क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री है तो एसी डायमीटर हो जाएगा तो उसका जो मिड पॉइंट है दैट विल बी द तो राइट एंगल ट्राइंगल अगर होता है तो का मिड पॉइंट इज दर्कम सेंटर ठीक है तो ये बात भी ध्यान में रखनी है कभी आपको लगे कि ट्राइंगल राइट एंगल है तो डायरेक्टली सर्कम सेंटर मिड पॉइंट ऑफ हैपिटेनियोस से आ जाएगा आगे देखो नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्थो सेंटर की ऑर्थो सेंटर पे आपके ऑल्टीट्यूड्स मीट करते हैं जैसे आपने ए से परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया बी से परुलर सी से परपेंडिकुलर एन तो तीनों ऑल्टीट्यूड्स एच पे मीट कर रहे हैं विच इज कॉल्ड एज द ऑर्थो सेंटर राइट अब इसके कोऑर्डिनेट्स थ्री ऑल्टीट्यूड्स जो हैं या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल लो अगर एच के कोऑर्डिनेट्स आपने एज्यूम किए हैं एक्स कॉमा तो x विल बी गिवन बाई एक्स वन टेन ए प्लस एक्स टू tan बी प्लस एक्स थ्री टैन सी अपॉन टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट या सीकेंट में निकाल लो अब देखो इसमें फिर से एंगल्स चाहिए तो आप एच को निकालने के लिए ये यूज कर सकते हो कि हम एज्यूम कर लें कि मान लो एच के कोऑर्डिनेट्स हैं अल्फा कॉमा बीटा तो आप देख रहे हो एल परपेंडिकुलर है बीसी के तो पर्टिकुलरली अगर एच के कोर्डिनेट हमने ले लिए अल्फा कॉमा बीटा वी कैन से दैट ए एच इज परपेंडिकुलर टू बीसी तो आप स्लोप निकाल लो दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनका प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स कितना होता है माइनस वन ये रिजल्ट हम यूज करके एक इक्वेशन बना सकते हैं अल्फा बीटा में फिर आप या तो ले लो पेंडिकुलर है एसी के या सी एच पर पेंडिकुलर है ए बी के वी जस्ट रिक्वायर टू इक्वेशन से बी एच इज पर पेंडिकुलर टू ए सी एंड अगेन यूज दिस कंडीशन एम वन एम टू इज माइनस वन तो इनको लेके यू विल गेट टू इक्वेश इन अल्फा कॉमा बीटा दो लीनियर इक्वेशन आएंगी सॉल्व कर लो दैट विल गिव यू ऑर्थो सेंटर अल्फा बीटा नाउ लेट इज स्टार्ट विद द विदेश

ए वर्टेक्स इज गिवन टू बी माइनस वन कामा सेवन बी हैज कॉर्डिनेट्स माइनस सेवन कामा वन एंड सी हैज कॉर्डिनेट्स फाइव कामा माइनस फाइव अब देखो ऑल्टीट्यूड्स मीट करते हैं तो हम ऑल्टीट्यूड्स ले लेते हैं सपोज वी हैव दिस एज ऑल्टीट्यूड फ्रॉम ए और ये ऑल्टीट्यूड हो गया बी से और ये ऑल्टीट्यूड किस से सी से और यह हमारा हो गया एच ऑर्थोसेंटर जिसके कॉर्डिनेट्स वी कैन एज्यूम एज अल्फा कॉमा बीटा इज इट ऑल राइट अब क्योंकि ये परपेंडिकुलर देखो तो लेट मी टेक फर्स्ट ऑफ ऑल ए एच इज परपेंडिकुलर टू बी सी अब दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होती है तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोपी माइनस वन तो स्लोप ऑफ ए एच इन टू स्लोप ऑफ बी सी दिस विल बी इक्वल टू माइनस वन अब देखो किसी भी लाइन के ऊपर दो पॉइंट दिए हैं एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू तो वट इज द स्लोप वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन तो हे आर लेटेस्ट टेक दैट सो इफ यू टेक स्लोप ऑफ ए एच तो कॉर्डिनेट्स अगर आप लो एच के अल्फा बीटा ए के माइनस वन सेवन तो स्लोप आ गई आपकी बीटा माइनस सेवन अपॉन अल्फा प्लस वन फिर बीसी की स्लोप लेते हैं अगेन बाय द सेम फॉर्मूला माइनस फाइव माइनस वन डिवाइडेड बाय फाइव प्लस वन दिस विल बी इक्वल टू माइनस वन सिंप्लीफाई कर लो सो वी हैव बीटा माइनस सेवन इन टू अल्फा प्लस वन मल्टीप्लाईड बाई माइनस टू माइनस वन माइनस माइनस दोनों तरफ वी कैन कैंसल आउट ऑल राइट ये कैंसिल कर दो एंड दिस सिक्स टू ज ट्वेल्व इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट बीटा माइनस सेवन इज इक्वल टू हाउ मच टू अल्फा प्लस टू सो फ्रॉम हेयर वी कैन से बीटा इज टू अल्फा प्लस नाइन एक इक्वेशन यह आ गई लेटस कॉल इट एज वन अब देखो सेकेंड इक्वेशन अगर हमें चाहिए तो आप ले सकते हो कि आपके पास बी एच जो है यह बी एच दिस इज बी एच तो दिस विल बी पर पेंडिकुलर टू एसी तो लेटस टेक नाउ बी एच इज पर पेंडिकुलर टू ए सी again the product of slopes will be equal to minus 1 so we will have slope of bh multiplied by slope of ac this is going to be equal to minus 1 Up bh ki slope of jai beta minus 1 upon look here so slope of bh will be beta minus 1 upon alpha plus 7 अगेन बाय द फॉर्मूला वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन सिमिलरली लेटेस्ट टेक स्लोप ऑफ ए सी इज इट ऑल राइट तो ए के कोऑर्डिनेट्स में यहाँ पे लिख देती हूँ दोबारा कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर गिवन टू बी ये देखो माइनस वन कॉमा सेवन इज इट ऑल राइट और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे फाइव कॉमा माइनस फाइव ये तो लेटेस्ट राइट द स्लोप नाउल राइट तो ये देखो ये नाउ वी राइट द स्लोप ऑफ ए सी तो वाई टू माइनस वाई वन माइनस फाइव माइनस सेवन अपॉन फाइव प्लस वन दिस इज इक्वल टू माइनस वन दिस इंप्लाइज वी हैव बीटा माइनस वन अपॉन अल्फा प्लस सेवन मल्टीप्लाइड बाय माइनस ट्वेल्व अपॉन सिक्स दैट इज माइनस टू दिस विल बी इक्वल टू माइनस वन इट ऑल राइट तो ये ब्रैकेट हम छोटा कर लेते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस वन माइनस माइनस कैंसल करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो वी आर गेटिंग टू बीटा माइनस टू इज अल्फा प्लस सेवन बीटा की वैल्यू पुट कर दो टू अल्फा प्लस नाइन तो दैट मीन्स वी हैव टू टाइम्स टू अल्फा प्लस नाइन माइनस टू इज इक्वल टू अल्फा प्लस सेवन सॉल्व करो वी हैव फोर अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल टू एटीन माइनस टू इज सिक्सटीन तो राइट साइड इज सेवन माइनस सिक्सटीन दैट मीन्स वी हैव थ्री अल्फा इक्वल टू माइनस नाइन सो वैल्यू ऑफ अल्फा इज माइनस थ्री ऑल राइट तो एक्स कॉर्डिनेट ऑर्थोसेंटर का हमारे पास आ गया माइनस थ्री नाउ लेटर्स ऑफ टेन वाई कोऑर्डिनेट तो ये पुट वन में कर दो तो लेटर्स पुट इन वन सो वी गेट बीटा टू बी इक्वल टू माइनस सिक्स प्लस नाइन दैट इज इक्वल टू थ्री सो फोर सेंटर एच विच वी हैड एज्यूमड एज अल्फा बीटा वो हमारे पास आ चुके हैं माइनस थ्री कॉमा थ्री तो ये देखो दिस विल बी द कोऑर्डिनेट्स तो चेक करते हैं हमारी कौन सी ऑप्शन करेक्ट है ऑल राइट right? तो सेंटर इज माइनस थ्री कॉमा थ्री लेटेस्ट चेक द राइट ऑप्शन नाउ तो यहां पे देखो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन है ऑर्थो तो सेंटर हमें निकालना था विच इज माइनस थ्री कॉमा थ्री तो माइनस थ्री कॉमा थ्री इज बी ऑप्शन इज करेक्ट इज इट ओके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं एट नाउ सेन कॉमा टू एंड मिड midpoints ऑफ टू sides थ्रू इट आर गिवन देन वी हैव टू फाइंड द centroid ऑफ दिस triangle. अगेन लेट मी टेक अ triangle ओवर here. आप देखो यहां पे अगर हम ट्राइंगल लेते हैं सो so ज टबेट तो ये अगर हमारे पास ट्राइंगल है अब देखो इसमें वर्टेक्स है ए जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं वन कॉमा टू देन यू सपोज द ट्राइंगल इज दिस ए बी सी ठीक है आपको मिड पॉइंट दिए हैं ऑफ द साइड थ्रू दिस पॉइंट तो इससे दो साइड्स कौन सी हैं ए बी और ए सी तो इनके मिड पॉइंट वी आर गिवन सपोज ए बी का मिड पॉइंट है डी दैट इज गिवन टू बी माइनस वन कॉमा वन राइट right? और इसका मिड पॉइंट है ई विच इज गिवन टू बी टू कॉमा थ्री सो वी और ये ट्राइंगल ड्रॉ कर दें, कंप्लीट दिस ट्राइंगल तो वी हैव डन दिस रिजल्ट जो एबीसी का सेंट्रॉइड होगा वही डीई एफ का सेंट्रॉइड होगा डीईएफ में ये है आपको सिर्फ एफ निकालना है ए बी सी के लिए आपको बी और सी दोनों निकालने पड़ेंगे तो एज्यूम कर लो कि मान लो एफ के कोऑर्डिनेट्स हैं अल्फा बीटा अब याद है ना कैसे बताया था जैसे अगर A निकालना होता और हमें मिड पॉइंट्स दिए होते तो A के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते वाले ऐड करके अपोजिट वाला माइनस तो एक्स कोऑर्डिनेट लो माइनस वन प्लस टू माइनस अल्फा फिर ए का वाई कोऑर्डिनेट कैसे आता सात वाले वाई कोऑर्डिनेट्स ऐड करके अपोजिट वाला माइनस स वन प्लस थ्री माइनस बीटा तो ये कितना हो गया देखो दैट मीन वी हैव कॉर्डिनेट्स ऑफ ए एजन माइनस अल्फा कॉमा फोर माइनस बीटा और देखो ए के कॉर्डिनेट्स हमें ऑलरेडी दिए हैं क्या दिए हुए हैं वन कॉमा टू वी आर गिवन कॉर्डिनेट्स ऑफ ए एजन टू नौ लेटर्स इक्वेट टू फाइंड वॉट अल्फा एंड बीटा सो वी गेट वन माइनस अल्फा इज इक्वल टू वन

वी नीड सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विच विल बी सेम एज सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल डीई एफ राइट तो इट विल बी सेम एज सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ तो इसके क्वारिनेट्स देखो हमें तीनों पता है तो अप्लाई कर दो ये देखो तो एफ के कॉर्डिनेट्स हम यहां पर लिख लेते हैं हमारे कितने आए हैं जीरो कॉमा टू तो क्या फॉर्मूला होता है देखो सेंट्रॉइड का सेंट्रॉइड जी इज गिवन बाई एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री बाई थ्री कॉमा सो वी हैव वाई वन प्लस डिवाइडेड बाई थ्री तो अप्लाई करते तो दैट मीन्स वी हैवेर अब देखो एड करो माइनस वन प्लस टू प्लस जीरो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री कितना आ गया वन तो वन अपॉन थ्री फिर वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री वन प्लस थ्री फोर फोर प्लस टू इज सिक्स सिक्स अपॉन थ्री विल बी टू तो ये हमारा सेंट्रोइड आ गया ट्राइंगल का वन बाय थ्री कॉमा टू लेट अस चेक विच ऑप्शन हेयर वुड बी करेक्ट ऑल राइट सो दिस इज वन बाय थ्री कॉमा टू विच यू कैन सी इज बी ऑप्शन सो वी हैव बी ऑप्शन करेक्ट सो अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जेई मेन्स ट्वेंटी ट्वेंटी नेक्स्ट देखो लुक एट क्वेश्चन नंबर थ्री नाउ। टू ऑफ़ अ ट्राइंगल आर गिवन सेंटर ओरिजिन पे है तो थर्ड वर्टिक्स किस क्वाड्रेंट में कर रहा है वो आपने बताना है अगेन टेक वन ओवर हियर, इज इट ऑल राइट तो अस टेक अ ट्राइंगल तो ये मान लो हमारे पास ट्राइंगल है अब लेटर्स सी वॉट इज गिवन अबाउट इट यहां पर देखो वी आर गिवन वर्टिसेस जीरो टू एंड फोर थ्री मान लेते हैं दो वर्टिसेस हैं ए विच इज कॉमा टू और ये है हमारे पास बी फोर कॉमा है बेटा सेंटर गिवन है तो सेंटर वो होता है जहां पे आपके ऑल्टीट्यूड्स मीट करते हैं तो अस ड्रॉ थ्री ऑल्टीट्यूड्स यहां पे तो ये हमारे हो गए थ्री ऑल्टीट्यूड्स ऑल राइट मान लो ये हैं ऑल्टीट्यूड्स ए एल वी हैव दिस एज बी एम और ये सी एन और ये मीट कर रहे हैं इस पॉइंट एच पे और ऑर्थो सेंटर हमें दिया है ओरिजिन इज इट ऑल राइट तो फिर से यूज करेंगे कि यहां पे देखो पहली कंडीशन क्या यूज करोगे फर्स्ट कंडीशन दैट वी आर गोइंग टू यूज वुड बी अगेन दैट ए एच इज परपेंडिकुलर टू बी सी तो इनका प्रोडक्ट ऑफ स्लोपी माइनस वन सो वी विल हैव स्लोप स्लोप ऑफ ऑफ है अगेन वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन तो ए बी की स्लोप देखो यहां पे हम कह रहे हैं सॉरी दिस इज एच तो ए AH एच की स्लोप वैसे तो देखो आप बोलोगे मैम ए एल पर है तो ए AH एच भी तो उसी का पार्ट है तो हम लाइन एल बोले एच बोले एक ही बात है एच क्यू कहा बिकॉज इसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है तो स्लोप ऑफ एच हो गई जीरो माइनस टू अपॉन जीरो माइनस जीरो इज जीरो हो जाएगी स्लोप ऑफ अब ले लो किसकी बी सी की तो इट विल बी बीटा माइनस थ्री अपॉन अल्फा माइनस फोर दिस इज इक्वल टू जीरो क्रॉस मल्टीप्लाई करो वी हैव माइनस टू इन टू बीटा माइनस थ्री इज जीरो दैट मीन्स वी हैव वैल्यू ऑफ बीटा टू बी इक्वल टू तो बीटा की वैल्यू थ्री आ गई अब आप ले लो कि बीएम परपेंडिकुलर है एसी के और वी कैन से बीएच इज परपेंडिकुलर टू एसी तो लेट मी राइट हेयर दैट वी हैव बीएच इज परपेंडिकुलर टू एसी तो अगेन प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स विल बी माइनस वन, व्हिच मींस स्लोप ऑफ बीएच मल्टीप्लाइड बाय स्लोप ऑफ एसी दैट वी कैन टेक टू बी इक्वल टू -1 अब यहां पे लेते हैं हम स्लोप किसकी बी एच की तो बी के कोऑर्डिनेट्स हैं फोर थ्री एच के जीरो जीरो माइनस थ्री अपॉन जीरो माइनस फोर अब ए सी की स्लोप इज इट ऑल राइट तो यहां पे देखो ए के कोऑर्डिनेट्स हमें कितने गिवन थे जीरो कॉमा टू इज इट ऑल राइट सो ए इज जीरो सी इज अल्फा कॉमा बीटा तो एसी की स्लोप क्या हो गई बीटा माइनस टू अपॉन अल्फा माइनस जीरो दिस इज इक्वल टू माइनस वन लेट्स सिंप्लीफाई फर्दर नाउ अब हम इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो वी माइनस यहां पे देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा दैट मीन्स वी हैव थ्री अपॉन फोर मल्टीप्लाइड बाय थ्री अपॉन फोर इन टू देखो कितना हो गया यहां पे लेते हैं थ्री बाय फोर इंटू बीटा माइनस टू इज इक्वल टू माइनस अल्फा तो बीटा की वैल्यू पुट कर दो थ्री सो वी हैव थ्री इंटू थ्री माइनस टू वन इज इक्वल टू माइनस फोर अल्फा दैट मीन्स अल्फा इज कमिंग आउट टू बी माइनस थ्री अपॉन फोर तो देखो अल्फा बीटा ही हमने अज्यूम किए थे थर्ड पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स तो सी वाज अल्फा कॉमा बीटा इट इज कमिंग आउट टू बी माइनस थ्री बाय फोर कॉमा थ्री ऑल These are the coordinates. तो चेक करते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट माइनस थ्री बायर कॉमा थ्री तो यहाँ पे देखो आपको बताना है कौन से क्वार में है थ्री एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है तो कौन सा क्वार्रेंट हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड इज इंटेट तो सेकेंड क्वार्रंट में यार ये देखो अगर आप क्वार ले रहे हो X पे देखो एक्स नेगेटिव लेना है और वाई पॉजिटिव लेना है तो इनसे कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है हमारा सेकेंड तो दैट मीन्स द थर्ड वर्टेक्स लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट दैट मीन्स वी हैव सी ऑप्शन करेक्ट इज इट ऑल राइट तो कोऑर्डिनेट्स आर माइनस थ्री बाय फोर कॉमा थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर वी आर गिवन ऑर्थोसेंटर एंड सेंट्रॉय ऑफ अ ट्राइंगल आर माइनस थ्री फाइव एंड थ्री थ्री रिस्पेक्टिवलीफ सी इज द सर्कम सेंटर रेडियस ऑफ सर्कल है अब देखो यहाँ पे ऑर्थोसेंटर की बात हो रही है जैसे ऑर्थोसेंटर को हम यूजली एच से डिनोट करते हैं तो यहाँ पे अगर हम अभी फिलहाल एच मान लें देखो मान लो अगर ऑर्थोसेंटर एच हो और सेंट्रॉयड की यूजल नोटेशन हमारी जी होती है और सरकम सेंटर की बात हो रही है क्वेश्चन में तो वी हैव सरकम सेंटर यूजली वी डिनोट बाय ओ या सी से डिनोट करते हैं तो मान लो अगर हम यूजुअल नोटेशन में ओ से डिनोट कर रहे हैं तो किसी भी ट्राइंगल में ना ऑल दीज थ्री पॉइंट्स आर क्वलीनियर ये तीनों पॉइंट्स जो होते हैं किसी भी ट्राइंगल में क्वलीनियर होते हैं एंड मोर ओवर यू हैव दिस रिजल्ट कि जैसे यहां पे आपका ऑर्थो सेंटर है ये आपका हो गया सरकम सेंटर तो G डिवाइड ओ एच इन द रेशो टू इज टू वन तो ये रिजल्ट आपने यहां में रखना है याद करने के लिए पता है क्या कर सकते हो जैसे आपको वाटर का फॉर्मूला याद है ना H2O, H2O1. तो इससे कभी आपकी मिस्टेक नहीं होगी कि ओ OH एच था एच ओ था वन इज टू टू था टू इज टू वन था जी डिवाइड कर रहा था या एच कर रहा था दे बी नो जी विल डिवाइड एच ओ इन टू इज टू वन तो ये वॉटर के फॉर्मूले से आप याद कर लो अब देखो हम इस क्वेश्चन पे आते हैं इसमें आपको ऑर्थो सेंटर ए दिया हुआ है तो वॉट वी कैन डू इज दिस पॉइंट इज एक्चुअली ए हुज कोऑर्डिनेट्स आर गिवन टू बी माइनस थ्री फाइव फिर आपको क्वेश्चन में दिया है सेंट्रॉइड एस बी थ्री कॉमा थ्री तो को से कर रहे हैं थ्री कॉमा थ्री से और सी आपको बोल रहे हैं सरकम सेंटर है तो उसके पहले हम कोऑर्डिनेट्स एज्यूम कर लेते हैं अल्फा कॉमा बीटा तो अस फर्स्ट ऑफ ऑल ऑप्टेन सी एंड देन वी विल फर्दर प्रोसीड इन द क्वेश्चन तो सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं तो अस डू द क्वेश्चन बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला इज इट ऑल राइट तो ये देखो यहां पे टू इधर वाले से मल्टीप्लाई होगा और वन इधर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से जी के कोऑर्डिनेट्स देखो क्या आ जाएंगे इट विल बी टू इन टू अल्फा प्लस वन इंटू माइनस थ्री मतलब माइनस थ्री और डिवाइडेड बाई टू प्लस वन दैट इज थ्री इज इट ऑल राइट तो फिर उसके बाद देखो y कोऑर्डिनेट टू इन टू बीटा वी हैव वन इंटू फाइव दैट इज फाइव टू प्लस वन इज थ्री ये आ गया और g हमें ऑलरेडी गिवन है कितना थ्री कॉमा थ्री ये तो यहां पे खैर g को b से डिनोट कर रहे हैं तो वी कैन राइट b ऑल्सो ऑल राइट तो दिस इज एक्चुअली इन द क्वेश्चन दे आर डिनोटिंग बाय b जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें थ्री कॉमा थ्री दिए हुए हैं अब आप इक्वेट करो उससे अल्फा बीटा आएगा दैट मीन्स वी विल गेट आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी So let us equate x coordinate 2 alpha minus 3 upon 3 is equal to 3 and we have 2 beta plus 5 upon 3 is equal to 3. So from here we are getting 2 alpha is 9 plus 3 12 that means alpha is 6 and from here we have 2 beta is equal to how much? This would be 9 minus 5 that is 4 that means beta will be equal to तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे सी के दैट दिक्स कॉमा टू इज इट ऑल राइट ये क्वेश्चन में पूछा क्या है लेट अस रीड द क्वेश्चन अगेन एंड सी व्हाट आर दे आस्किंग वो आपको देखो ये पूछ रहे हैं रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग ए सी एस डायमी तो ए के कोऑर्डिनेट्स हमें ऑलरेडी पता है ये देखो माइनस थ्री कॉमा फाइव ए के कोऑर्डिनेट्स पता है के हमने निकाल लिए तो अगर ए सी डायमीटर है तो रेडियस उसका हाफ होगा तो लेंथ पहले ए निकालते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला तो लेट मी राइट ए एन सी तो ए ए इज नाउ टेक एज इज गिवन इन द क्वेश्चन माइनस थ्री कॉमा फाइव और सी हमने ऑप्टेन कर लिया है सिक्स कॉमा टू नाउ अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला टू ऑप्टेन ए सी एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्र तो सिक्स प्लस थ्री का स्क्वेयर Alright, and then y2 minus y1, 2 minus 5 ka square. So, this is coming out to be 9 ka square is 81 and plus 3 ka square is 9. That means it is equal to under root of 90 which is 3 root 10. So, aapko radius chahiye with AC as diameter. So, it will be AC upon 2. That means it will be 3 upon 2 root 10 can be written as root 2 into root 5. रूट टू कैंसिल कर दो तो वी हैव थ्री टाइम्स रूट फाइव अप रूट टू विच यू कैन राइट एज थ्री टाइम्स होल रूट ऑफ फाइव बाय टू सो दिस विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कल विथ ए सी एज डायमीटर लेटस चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट थ्री इंटू अंडर रूट ऑफ फाइव बाय टू सो लेटस चेक द ऑप्शन नाउ सो थ्री इंटू अंडर रूट ऑफ फाइव बाई टू इज सी सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव सी ऑप्शन करेक्ट राइट right? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं लुक एट नाउ दिस क्वेश्चन लेट्स सी व्हाट इज़ दिस क्वेश्चन नंबर नाउ फिफ्थ फिफ्थ क्वेश्चन हमें ये दिया है द नंबर ऑफ पॉइंट्स हैविंग बोथ कोऑर्डिनेट्स एज इंटीज़र्स दैट लाई इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल विदो जीरो सॉरी जीरो फोर्टी वन एंड फोर्टी वन जीरो अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करना है लेट मी टेक अप यू नो स्ट्रेट लाइन ओवर हेयर मान लो ये हमारे पास हो गई जस्ट अ मोमेंट दिस एज वाई एक्सेस और सपोज हमारे पास ये है एक्स एक्सेस मान लेते हैं हमारे पास इसके ऊपर ये हो गया हमारा ओरिजिन जीरो जीरो और राइट ये तो ट्राइंगल के वर्टस एक तो जीरो जीरो है फिर जीरो फोर्टी वन विल बी ऑन वाई एक्सेस सपोज दिस इज बी जीरो कॉमा फोर्टी वन देन फोर्टी वन कॉमा जीरो विल बी ऑन एक्स एक्सेस तो ये हो गया मान लो ए फोर्टी वन कॉमा जीरो तो आप देखो ट्राइंगल हमारा ये है दिस इज द ट्राइंगल तो इसके इंटीरियर में कितने पॉइंट्स हैं जिसमें दोनों कोऑर्डिनेट्स आपको इंटीजर्स चाहिए तो आप क्या करोगे जैसे लेट मी ड्रॉ दिस लाइन सपोज हम यहाँ पे ऐसे एक लाइन लेते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सेस और यहाँ पर वाई मान लो वन है दिस इज वाई वन तो आप नोटिस करो ये वाला जो पॉइंट होगा जो इस लाइन के ऊपर है इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू फोर्टी वन क्योंकि फोर्टी वन प्लस जीरो इज फोर्टी वन जीरो प्लस फोर्टी वन इज फोर्टी वन तो अगर y कोऑर्डिनेट वन है तो x कितना होगा फोर्टी तो ये पॉइंट है आपका फोर्टी कॉमा वन आप देखो इसको नहीं ले सकते ये ट्राइंगल की साइड के ऊपर है आपको इंटीरियर वाले पॉइंट्स चाहिए तो अगर हम अब अगली लाइन ड्रॉ करते हैं देखो यहां पे अगर आप ये वाली लाइन ऐसे लेते हो सपोज वी टेक दिस लाइन लेट मी जस्ट कम्प्लीटेड ये लाइन हमने ली तो यहां पे अगर हम y की वैल्यू टू ले रहे हैं तो ये वाला जो पॉइंट आएगा अब आपका लुखेयर दिस पॉइंट यहां पे इसके नीचे वाला ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर इसके कोऑर्डिनेट्स आपके ये हो जाएंगे यहां पे इट विल बी हाउ मच एक्स विल बी फोर्टी एंड वाई विल बी वन ठीक है तो ये पॉइंट ले सकते हो अब ये जो वाईक्वल टू वन वाली लाइन है ना इसके ऊपर देखो कितने पॉइंट्स आप ले पाओगे जैसे x वन से लेकर आपका कहां तक जा रहा है दिस विल बी सॉरी थर्टी नाइन क्योंकि फोर्टी तो ये हो गया था ना यहां पे आपके पास क्या आ रहा है थर्टी नाइन आ रहा है तो आप ये वाले पॉइंट्स ले सकते हो वन से लेकर थर्टी नाइन आपके पास कितने पॉइंट्स आएंगे थर्टी नाइन आ जाएंगे इज इट ऑल राइट उससे जो ऊपर वाली लाइन है y इक्वल टू टू उसमें ये वाला जो पॉइंट होगा आपका थर्टी नाइन वो तो लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट आएगा वो होगा उसके लिए x तो 38 और x 1 से लेकर तो 1 से लेकर 38 एट दैट मीन्स यू विल हैव 38 एट पॉइंट इन द इंटीरियर ऑन द सेकेंड लाइन ऐसे ही आपने ऊपर चलते जाना है आखिरी में जैसे आपकी एक लाइन ये आएगी फिर ऐसे आएगी यहां पे देखो अगर आप वाई फोर्टी ले रहे हो इज इट ऑल राइट तो ये पॉइंट जो होगा दिस विल बी वन कॉमा फोर्टी विच इज ऑन द ट्राइंगल ऑन द साइड ऑफ द ट्राइंगल इंटीरियर में नहीं है तो ये जो पॉइंट आएगा आपका जिसमें यहां पे 39 है देखो तो दिस पॉइंट 1.39 इज इन द इंटीरियर तो इस लाइन पे आपके पास 39 पॉइंट्स थे 38 एट पॉइंट फिर इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है तो 39 से कम करते करते आपने कहां तक जाना है वन तक जाना है तो हम ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ पॉइंट इंटीरियर टू ट्राइंगल वो देखो अब कितने हो गए इंटीरियर टू ट्राइंगल दिस विल बी अगर हम ऊपर से काउंट करना शुरू करें तो एक पॉइंट देखो इस लाइन के ऊपर है ये वाला फिर अगली लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स मिलेंगे एंड सो ऑन जैसे ये सेकेंड लास्ट लाइन y इक्वल टू टू के ऊपर थर्टी एट फिर लाइन y इक्वल टू वन के ऊपर थर्टी नाइन पॉइंट राइट तो इतने पॉइंट्स होंगे विच आर इंटीरियर टू द ट्राइंगल अब देखो ये है सम ऑफ फर्स्ट 39 natural numbers you know that sigma n which is sum of first n natural numbers 1 plus 2 plus 3 plus lekar n thug this sum is given by n into n plus 1 by 2 so here we have n as 39 so this will be 39 into 40 divided by 2 which will be equal to 39 multiplied by 20 that is equal to 780 तो 780 हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का तो ये वो पॉइंट्स होंगे विच आर इंटीरियर टू द ट्राइंगल तो दैट इज डी ऑप्शन एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जेई मेन्स ट्वेंटी तो आपने देखा अभी हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कर रहे हैं जेई मेन्स e. के नाउ लिट लुक एट क्वेश्चन नंबर सिक्स वी आर गिवन ए बी सी डी आर नॉन जीरो नंबर्स इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन्स फोर ए एक्स प्लस टू ए वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो एंड फाइव बी एक्स प्लस टू बी वाई प्लस डी इक्वल टू जीरो लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट एंड इज इक्वीडिस्टेंट फ्रॉम टू एक्सेस तो आपने ए बी सी डी में रिलेशन बताना है अब देखो वो पॉइंट कैसा होगा जो फोर्थ क्वाड्रेन में है और दोनों एक्सेज के इक्वीडिस्टेंट है

तो अगर ये डिस्टेंसेस सेम है तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी विल बी ऑफ द टाइप एक्स क्वाइनस एक्स इसी टाइप के होंगे अब ये पॉइंट इंटरसेक्शन का है दोनों लाइंस का तो पी विल ऑन बोथ द लाइन्स इज इंट एड तो आपको क्या बताना है एबीसीडी में रिलेशन तो हम यहां पे करते हैं अब आगे लेट अस यूज दैट वी विल राइट पी लाइज ऑन पी एक्स क्वाइनस एक्स लाइज ऑन बोथ द लाइन्स ऑल राइट इट लाइज ऑन बोथ द लाइन्स तो इसके कोऑर्डिनेट्स दोनों लाइंस की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे फर्स्ट लाइन आपको दी है फोर ए एक्स प्लस टू ए वाई फोर ए एक्स प्लस टू ए वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो इज इट ऑल राइट दिस इज द फर्स्ट लाइन नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन दैट मीन्स व्हाट डू वी गेट ये देखो जस्ट अंट सो वी आर गेटिंग फ्रॉम हि कि x के बदले में तो x ही आएगा Y रिप्लेस्ड बाय माइनस एक्स सो वी गेट फोर ए एक्स माइनस टू ए एक्स प्लस सी विल बी इक्वल टू जीरो तो इसका मतलब देखो x कोऑर्डिनेट कितना आ गया लेटस्ट राइट वी हैव टू ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी सो एक्स विल बी इक्वल टू माइनस सी अपॉन टू ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट ही आ गया इसी तरह सेकेंड लाइन की इक्वेशन देखो हमें क्या दी है फाइव बी एक्स लुखेर फाइव बी एक्स प्लस टू बी वाई प्लस डी इक्वल टू जीरो तो राइट फाइव बी एक्स प्लस टू बी वाई फाइव बी एक्स प्लस टू बी वाई प्लस डी इक्वल टू जीरो दिस इज द सेकेंड लाइन

अब दोनों ही x के इक्वल हैं तो फ्रॉम वन एंड टू लेटर्स सी वॉट डू वी गेट तो आपको रिलेशन मिल जाएगा किस में x और y में सो लेटर्स राइट नाउ फ्रॉम वन एंड टू वी आर गेटिंग माइनस सी अपॉन टू ए इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन थ्री बी माइनस माइनस कैंसिल कर दो दैट मीन्स वी आर गेटिंग थ्री बी सी इज इक्वल टू टू ए डी तो इसका मतलब एक तरह से ये हो गया हमारे पास ऑप्शन में देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हो टू ए डी माइनस थ्री बी सी इज इक्वल टू जीरो दिस इज द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी टू ए डी माइनस थ्री बी सी इज जीरोस्ट चेक द करेक्ट ऑप्शन ओवर हेयर राइट तो ये देखो दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन नाउ एज यू कैन सी तो टू ए डी माइनस थ्री बी सी इक्वल टू जीरो इज सी ऑप्शन आप ये भी कर सकते थे इन लाइन्स का पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो फिर लो कि उसमें एक्स और वाई कोआर्डिनेट आपस में एक दूसरे के अपोजिट है इवन दैट इज करेक्ट ऑल राइट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं लुकेट नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन एक्स कॉर्डिनेट ऑफ इन सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल आपने बताना है दैट हैज कॉर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ साइड एज दीज अब देखो एक ट्राइंगल के आपके कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट्स के दिए हैं तो लेट टेक अ टेक्राइंगल ओवर हेयर तो यहां पे देखो अगर हम ये ट्राइंगल लेते हैं सपोज वी हैव दिस ए बी सी। अब पॉइंट्स ले लेते हैं मान लो डी ई e, और एफ तो इनके कोऑर्डिनेट्स देखो हमें क्या क्या गिवन है दे आर जीरोन वन कौ जीरो तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट इन सेंटर का बताना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू अपटेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी एंड सी तो लेट अस दैट लेटर्स देखो यहां पे ए के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे एक्स कोऑर्डिनेट सात वाले एक्स कोऑर्डिनेट्स ऐड करके अपोजिट वाला माइनस तो वन प्लस वन माइनस जीरो सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट जीरो प्लस वन माइनस वन दैट मीन्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर गिवन बाय टू कॉमा जीरो अब हम बी के लेते हैं बी में भी ये देखो सात वाले ऐड करने हैं डी प्लस एफ और ई e के माइनस करने हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स दोनों में तो एक्स कोऑर्डिनेट लेते हैं वी हैव जीरो प्लस वन माइनस वन एंड वाई कोऑर्डिनेट वन प्लस जीरो माइनस वन दैट मीन्स वी हैव कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी एज जीरो कॉमा जीरो सी के ले लो इसी तरह सात वाले ऐड करने हैं डी प्लस ई और एफ के कोऑर्डिनेट्स माइनस तो वी हैव जीरो प्लस वन माइनस वन एंड देन वी हैव वन प्लस वन माइनस जीरो दैट मीन्स वी हैव कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी एज जीरो टू तो ये हमारे पास सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए तो यहां फिगर में पुट कर देते हैं लुक हियर ए इज टू कॉमा जीरो बी इज गिवन बाय जीरो कॉमा जीरो इस इट ऑल राइट ये हो गया और सी इज गिवन बाय जीरो टू ये हो जाएगा अब देखो इन सेंटर के लिए आपको क्या चाहिए होती है लेंथ ऑफ साइड्स साइड ऑल राइट इसको अब मैं हटाती हूं तो अब हम लेंगे इनका काम खत्म हो गया वी हैव ऑलरेडी टेकन नाउ मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट जिससे हमें एबीसी मिल गया अब आपको निकालना है लेंथ ऑफ साइड्स एंगल ए के अपोजिट वाली साइड की लेंथ स्मॉल ए बी के अपोजिट वाली स्मॉल बी और सी के अपोजिट वाली स्मॉल सी तो स्मॉल ए देखो कितना आएगा इट विल बी लेंथ बी सी अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्र प्लस माइनस जीरो प्लस टू का तो ए लेंथ तो हमारे पास कितनी आ गई टू तो दिस इज इक्वल टू टू फिर बी लेते हैं बी विल बी इक्वल टू हाउ मच लेंथ ए सी अगेन अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला जीरो माइनस टू का स्क्वायर फोर टू माइनस जीरो का स्क्वायर फोर दैट इज टू रूट टू तो बी इज कमिंग आउट टू बी टू रूट टू इज इट ओके अब हम निकालते हैं सी तो सी एज यू कैन सी इन द फिगर विल बी ए बी अप्लाय डिस्टेंस फॉर्मूला सो वी हैव फोर प्लस जीरो दैट मीन्स इक्वल टू टू तो दिस इज ऑल्सो कमिंग आउट टू बी टू अब हम अप्लाई करते हैं इन सेंटर का फॉर्मूला राइट तो फॉर्मूला फॉर इन सेंटर वॉज दिस लेट मी राइट ओवर हेयर इट वॉज ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी एंड वाई कोऑर्डिनेट ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी तो आपको सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए दे आर यू एक्स कोऑर्डिनेट तो निकालते हैं आप देखो इसमें आपके पास ये जो ए था ये है एक्स वन वाई वन बी है आपका एक्स टू वाई टू और ये जो सी है दिस इज एक्स थ्री वाई थ्री इज इट ऑल राइट और ए बी सी कितने आए हैं देखो टू टू रूट टू और टू स्मॉल ए इज टू इसके अपोजिट वाली साइड की लेंथ है टू रूट टू और इसके अपोजिट साइड की लेंथ कितनी है तो इसमें x कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं x कोऑर्डिनेट ऑफ i विल बी इक्वल टू पुट द वैल्यूज स्मॉल a टू इंटू एक्स वन विच इज टू प्लस वी हैव b इंटू एक्स टू जीरो सी इंटू एक्स थ्री विल ऑल्सो बी जीरो डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी इन तीनों का सम आ गया फोर प्लस टू रूट टू अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं So that will give us the x coordinate. This is equal to dekho, 2 common leke cancel karo. So we have 2 upon 2 plus under root of 2. Let us rationalize it. So we have 2 minus root 2 say we are going to multiply and divide. Numerator is 2 into 2 minus root 2 and denominator will be a plus b, a minus b is a square minus b square, 4 minus 2 is 2. Is it alright? टू कैंसिल कर दो तो दैट मीन एक्स कोऑर्डिनेट इज कमिंग आउट टू बी टू माइनस रूट टू दिस इज गोइंग टू बी आंसर तो एक्स कोऑर्डिनेट इन सेंटर का आ गया टू माइनस अंडर रूट ऑफ टू लेट अस चेक विच ऑप्शन इज दैट ऑल राइट तो टू माइनस रूट टू एज यू कैन सी बी ऑप्शन तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इन सेंटर तो वी हैव बी ऑप्शन करेक्ट राइट लेट्स सी द्वेश्चन आओ क्वेश्चन नंबर एट फ द लाइन टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू के पासिस थ्रू द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स इन द रेशो थ्री टू टू तो के बताना है लेटेस्ट टेक अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट इज इट ऑल राइट तो ये देखो मान लो ये हमारी लाइन सेगमेंट है तो इसमें अब हम लेते हैं एक पॉइंट हमारा ये हो गया ए जिसके कॉर्डिनेट्स आपको गिवन है वन कॉमा वन एंड दिस इज बी आर गिवन टू बी टू कॉमा फोर और एक लाइन आपको और दी है देखो सपोज दिस इज द लाइन ऑल राइट विच इज डिवाइडिंग दिस ए बी इन द रेशो थ्री इज टू टू सपोज दिस पॉइंट ऑफ डिविजन इज पी और इस लाइन की इक्वेशन आपको दी है टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू के तो पहले सेक्शन फॉर्मूला से पी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे एंड देन वी विल यूज पी लाइज ऑन दिस लाइन दैट विल गिव यू के तो लेट यूज नाउ हेयर सेक्शन फॉर्मूला राइट तो लेट मी यूज सेक्शन फॉर्मूला ओवर हेयर टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी सो लुक अब पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो आप क्या करोगे देखो थ्री को इधर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है राइट right? और टू को इधर वाले से मल्टीप्लाई तो वी विल हैव कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एस It will be 3 2s are 6 plus 2 into 1 is 2 and 3 plus 2 is 5. Look at the y coordinate now. 3 4s are 12 plus 2 1s are 2 or divided by 3 plus 2 is 5. This implies we have coordinates of P as 8 by 5 comma 14 by 5. Is it alright? So comma 14 by 5. Now you can see P is lying on this line. So coordinates of P will satisfy this equation. So if you put, we are getting 2 times 8 by 5 plus 14 by 5 is equal to k. So bas k value k will be 16 plus 14, 30 by 5, that is equal to 6. So value of k is coming out to be 6. Let us check which option is that. कैन सी इट इज सी ऑप्शन सो हेर वी दे इंटरसेक्ट इच अदर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ किस इंटरवल में लाइक करते हैं दैट वी हैव टू अपटेन अगेन वी आर डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिस इज एय ट्रिपली टू थाउजेंड इलेवन जिसको अब एग्जाम को हम जेई मेन्स कहते हैं अर्लियर इट यूज टू बी कॉल्ड एज ए ट्रिपल ई ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन राइट तो करते हैं इसको अब देखो आपको लाइन ये मॉड ए में दी है मॉड ए की डेफिनेशन क्या होती है पहले वो देखो यू नो दैट इट विल बी माइनस ए अगर ए आपका नेगेटिव है एंड इट विल बी ए इफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो तो अस टेक टू केसेस लेट मी टेक केस वन जब ए हमारा नेगेटिव है तो उस केस में मॉड ए किससे रिप्लेस होगा माइनस ए से तो पहली लाइन की इक्वेशन हमारे पास आ गई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस ए और दूसरी लाइन है एक्स माइनस वाई इक्वल टू वन अब इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां लाई कर रहा है इट इज लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज़न्ट इट फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइक करता है मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स दोनों ही क्या होंगे हमारे पॉजिटिव तो ये देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए व्हाट यू कैन डू यहां से वाई निकाल लो या ऐड भी कर सकते हो इक्वेशंस को ठीक है ना इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं तो y कैंसिल हो जाएगा वी गेट x ax -a 1 दैट मींस वी आर गेटिंग x इंटू वन प्लस ए इज वन माइनस ए मतलब x कोऑर्डिनेट हमारा आ गया वन माइनस ए अपॉन वन प्लस ए अब क्योंकि पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा अब देखो ऊपर a का कोफिशंट अभी नेगेटिव है तो रैशनल इनक्वेलिटी सॉल्व करने के लिए उसको पॉजिटिव करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय माइनस वन सो साइन ऑफ इन इक्वेलिटी विल रिवर्स ए माइनस वन अपॉन ए प्लस वन विल बी नेगेटिव न्यूमिरेटर कहाँ पे जीरो है वन पे और डिनोमिनेटर कहाँ पे जीरो है माइनस वन पे सो वी हैव स्ट्रिक्ट इन इक्वेलिटी तो वी हैव ब्लैंक सर्कल्स पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लेस देन जीरो का मतलब माइनस वाला रीजन आंसर होगा और एक तरफ हम ये भी कह रहे हैं देखो कि ए नेगेटिव है ये भी कंडीशन लेनी है साथ में कि ए इज नेगेटिव मतलब ए इज लेस देन जीरो तो एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव कब आ रहा है अगर हमारे पास a लाई कर रहा है किसको देखो इंटरवल माइनस वन से लेकर जीरो तक तो x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव तब है जब a माइनस वन से जीरो लाई कर रहा है अब y कोऑर्डिनेट देखो यहां से हम y निकालते हैं y इज एक्स माइनस वन तो वी हैव y टू बी इक्वल टू ए एक्स माइनस वन एक्स कॉर्डिनेट हमारा ये था ठीक है इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं वन माइनस ए अपॉन वन प्लस ए और फिर माइनस वन टेक एल्शियम एज वन प्लस ए वट आर वी गेटिंग ए माइनस ए स्क्वेर माइनस वन माइनस ए यहां पर देखो आपके पास ए कैंसल हो गया तो वाई कोऑर्डिनेट इज कमिंग आउट टू बी माइनस ऑफ ए स्क्वेयर प्लस वन अपॉन ए प्लस वन अब ये भी हमें पॉजिटिव चाहिए ना क्योंकि पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है अब देखो न्यूमिरेटर आपका नेगेटिव है क्योंकि माइनस लगा हुआ है ना तो हेयर न्यूमिरेटर इज डेफिनेटली नेगेटिव और ए स्क्वेर प्लस वन हमेशा पॉजिटिव होगा बिकॉज ए इज एनी रियल नंबर तो माइनस लगा है तो न्यूमिरेटर नेगेटिव है तो रेशो पॉजिटिव तब होगी जब डिनोमिनेटर भी क्या होगा नेगेटिव ऑल राइट नेगेटिव अपॉन नेगेटिव विल गिव यू पॉजिटिव क्वांटिटी दैट मीन ए प्लस वन शुड बी नेगेटिव इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट तब पॉजिटिव है जब ए स्ट्रिक्टली लेस देन माइनस वन है अब आप नोटिस करो हम बोल रहे थे एक्स कोऑर्डिनेट तब पॉजिटिव है जब ए माइनस वन से जीरो लाई कर रहा है और वाई कोऑर्डिनेट तब पॉजिटिव है जब ए माइनस वन से छोटा है तो दोनों बातें इकट्ठी ट्रू नहीं हो सकती तो इस केस में वी हैव नो सॉल्यूशन या नो वैल्यू ऑफ ए तो केस वन में जब ए नेगेटिव है हमें ऐसा पॉइंट नहीं मिल रहा कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक करे अब हम आते हैं किस पे केस टू पे तो लुक एट नाउ केस टू केस टू में टेक ए टू बी पॉजिटिव इज इट ऑल राइट तो केस टू में ए को हम लेने वाले हैं पॉजिटिव अब देखो पहली लाइन थी एक्स प्लस वाई इक्वल टू मॉडे वो बन जाएगी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए और सेकेंड लाइन हमारी क्या थी ये देखो दोनों लाइन एक बार ही देख लेते हैं ये देखो क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन वॉज x प्लस वाई इक्वल टू मॉडे तो अगर a पॉजिटिव है या ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है तो a हो जाएगा और दूसरी लाइन है ax एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन यहाँ पे बेशक ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो कर लो तो दूसरी लाइन है ax एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू वन अगेन एट द टू इक्वेशंस सो वी आर गेटिंग x प्लस ए एक्स इज ए प्लस वन That means we get x into 1 plus a is equal to a plus 1 to तो plus 1 cancel कैंसिल करो एक्स वन आ गया जो कि हमारा ग्रेटर देन जीरो है ही फर्स्ट क्वार्टर में है वाई निकालते हैं देखो यहाँ से वाई इज इक्वल टू ए माइनस एक्स मतलब कितना वन माइनस एक्स फर्स्ट क्वार्टर में है तो दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो या इक्वल टू जीरो भी ले सकते हो जैसे अगर क्योंकि अगर एक्स वन है तो वाई क्वारिनेट शुड बी ताकि में हो जाए तो इसका मतलब हो गया हमारे पास कि one is, यहां पे हमने x को one put करना था जस्ट मोमेंट लेट मी पुट एक्स इट मीन वी आर a शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू वन और देखो एक कंडीशन ये भी है ना कि ए पॉजिटिव तो दोनों का कॉमन सोल्यूशन क्या आएगा लुखेर व जीरो वी हैव वन फर्स्ट कंडीशन वॉज दैट ए इज ग्रिटर इक्वल टू जीरो सेकेंड इज ए इज ग्रिटर इक्वल टू वन दैट मीन्स ए बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल वन से लेकर इनफिनिटी तो अगर ए यहां पे है तो सेकेंड केस में हमें जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है वन कॉमा ए माइनस वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज दिस वॉट इज इट वन कॉमा ए माइनस वन ऑल राइट तो दिस पॉइंट विल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा किसमें फर्स्ट क्वार में अगर ए वन या वन से बड़ा है तो चेक करते हैं विच ऑप्शन हेयर इज करेक्ट राइट तो इन का कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा मॉडलर्स का कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा हालांकि क्वेश्चन किसका है स्ट्रेट लाइन का तो क्लोज इंटर्वल वन टू इंफिनिटी इज सी ऑप्शन सो वी हैव सी ऑप्शन करेक्ट राइट तो दस वर्स क्वेश्चन अब नाइन अगला देखो आप टेंथ क्वेश्चन you are given three distinct points a b c given in the two-dimensional coordinate plane such that ratio of the distance of any one of them from the point 1 0 to the distance from the point minus 1 0 is 1 by 3 then circumcenter of triangle a b c is point p e h y b t n a h a tricky question hai, but it's interesting and it is from a 2009 अब देखो वो बोल रहे हैं तीन डिस्टिंग पॉइंट्स हैं कोई भी एक पॉइंट ले लो तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि मान लो हमारे पास लेट पॉइंट ए उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई और ये जो दो फिक्स आपको दिए हैं पी और क्यू मान लेते हैं पी इज वन कॉमा जीरो एंड सपोज क्यू इज माइनस वन कॉमा जीरो कहा है कि उसका डिस्टेंस a का p का ये a हमने लिया ना एक्स वाई और ये p लिया है ये क्यू ए पी इज हाउ मच एनी वन ऑफ देम फ्रॉम द पॉइंट दिस टू दिस फ्रॉम द पॉइंट दिस टू दिस इज रेशो वन बाई थ्री दैट मीन्स ए पी अपॉन ए क्यू की रेशो आपको कितनी दी है वन अपॉन थ्री देखते हैं यहां से क्या रिलेशन हमें मिल रहा है तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो वी हैव थ्री ए पी इज इक्वल टू ए क्यू अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला दैट मीन्स थ्री टाइम्स ए पी बाय डिस्टेंस फार्मूला विल बी एक्स माइनस वन का स्क्वेयर वाई माइनस जीरो मतलब वाई स्क्वेयर दिस विल बी अंडर रूट ऑफ ए क्यू विच इज हाउ मच अगेन अप्लाय डिस्टेंस फार्मूला एक्स प्लस वन का स्क्वेयर वाई माइनस जीरो का स्क्र मतलब वाई स्क्वेयर नाउ टू रिमूव स्क्वेर रूट वॉट वी कैन डू इज स्क्स ठीक है तो दोनों तरफ हम क्या कर देंगे यहाँ पे स्क्वेरिंग लेटस सी वॉट आर वी गेटिंग नाउ नाइन टाइम्स ब्रैकेट्स ओपन कर लो एक्स स्क् प्लस वन माइनस टू एक्स प्लस वाई स्क्र दिस इज इक्वल टू रूट विल बी रिमूव्ड ओपन द ब्रैकेट्स एक्स स्क् प्लस टू एक्स प्लस वाई स्क्र ब्रैकेट्स ओपन करो सारी टर्म्स लेफ्ट साइड पे ले आओ नाइन एक्स स्क् माइनस एक्स इज एट देन नाइन वाई माइनस वाई इज प्लस एट वाई फिर एक्स वाली टर्म लो minus 18x or minus 2x. Is it alright? This will be minus 18 minus 2. That means minus 20x. For 9 minus 1, that is 8, will be equal to 0. Alright? What we can do is, we can divide by 8. Is equation, ko kardo divide by 8. So, we get x square plus y square minus 20 by 8. Kitna? 4 se karo. 4, 5 is a 20. 4, 2 is a 8. एन प्लस वन इज इक्वल टू जीरो तो देखो ए पॉइंट जो था हमारा एक्स वाई फॉर दैट मैटर वो बोल रहे थे एनी वन ऑफ द पॉइंट इसका मतलब हम बी लें या सी लें तीनों पॉइंट्स हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं अब देखो ये इक्वेशन किसकी है दिस इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन जनरल हमारे पास एक सर्कल की इक्वेशन ऐसी होती है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो हुटर इज गिवन बाय माइनस जी कॉमा माइनस एफ इज इट ऑल राइट अब देखो आपको कहा था एनी वन ऑफ द पॉइंट तो ए बी या सी तीनों इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं इसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स हमारे इस सर्कल के ऊपर लाई करते हैं लेट मी टेक अ सर्कल हेयर ये देखो अगर हम यहाँ पे लेते हैं सपोज एक सर्कल सपोज वी है सर्कल इट मे लार्जेट तो आपके तीनों पॉइंट जो है ना इस सर्कल कर रहे हैं ए बी और सी दीज आर द्री पॉइंट लाइंग ऑन अ सर्कल क्योंकि सर्कल की इक्वेशन आई है अब देखो पूछा क्या है आपको क्वेश्चन में लेटस सी दैट व्हाट आर देखिये तो थ्री डिस्टिंक पॉइंट ठीक है सच दैट रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ एनी वन ऑफ दैम कोई भी लेते तो सेम कंडीशन आती तो तीनों पॉइंट उसी सर्कल पे हैं तो आपको सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी चाहिए आप देखो कैसे निकालेंगे सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी उसके लिए आपको ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी ये देखो अगर हम इनको ज्वाइन करते हैं ये हमारे पास ट्राइंगल आ गया ए बी सी आपको पता है कि अगर ट्राइंगल ए बी सी के बाहर कोई सर्कल बनता है तो ये वाला सर्कल कहलाता है आपका सर्कम सर्कल इज इंटेट तो दिस विल बी सर्कम सर्कल और इसी का जो सेंटर होगा दैट विल बी सर्कम सेंटर वहीं पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स मीट करेंगे बिकॉज सर्कम सेंटर इज दिस पॉइंट इट इज इक्वेजन फ्रॉम द थ्री वर्टसेस तो वो इस सर्कल का सेंटर होगा तो हम इस सर्कल का सेंटर निकाल लेते हैं देखो सर्कल की इक्वेशन हमारी आई है दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इसको इससे कंपेयर करो और सेंटर निकाल लो तो यहां पे सेंटर हमारा जो सर्कम सेंटर है दैट विल बी ओ लेट मी राइट हेयर सर्कम सेंटर ठीक है वो इस सर्कल का सेंटर होगा ओ आप देखो सर्कल की इक्वेशन से कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा सेंटर का माइनस एफ वाई के को टू से डिवाइड करो साइन अपोजिट वाई वाली टर्म नहीं है उसका कोफिशन जीरो है तो टू से डिवाइड करके साइन अपोजिट करेंगे तो भी जीरो ही आएगा तो ये हमारे पास आ गए सरकम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी के कोर्डिनेट्स दैट इज फाइव बाई फोर कॉमा जीरो तो लेटेस्ट चेक विच ऑप्शन हेयर वुड बी करेक्ट तो यहां पर देखो ये हमारे पास कंप्लीट क्वेश्चन आ गया फाइव बाय फोर कॉमा जीरो इज ए ऑप्शन सो हेयर वी हैव ए ऑप्शन करेक्ट राइट तो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर टेन सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू राइट So, in this lecture as you have seen, we have talked about distance formula, section formula and four points of concurrency of a triangle and we did questions based on them. So, iske aage ka part like area of a triangle and locus of a point we are going to discuss in the next lecture, all right. So, theory part achhe se revise karo and practice as many questions as you can, all right. So, that is all in this lecture. And don't forget to subscribe to the channel to get more videos of this type so that your complete concepts are revised thoroughly of this chapter. Right? Thank you and bye bye.